हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रविनाथन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जन्माष्टमी के एक दो दिन पहले का ब्लॉग है और मैं गई थी यहाँ पर डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जन्माष्टमी की थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि तबीयत पिछले काफ़ी टाइम से मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। फीवर वगैरह है और काफ़ी सिर में दर्द और हाथ पैरों में दर्द की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई और ना मैंने कोई ख़रीदारी कर पाई है जन्माष्टमी की, जिस वजह से मैं डॉक्टर के पास से लौटते टाइम मैंने सोचा कि कान्हा जी के कपड़े वगैरह ही देख लूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही हूँ उनके लिए। उसके बाद फिर मैं घर पर आई, खाना पीना वगैरह बनाया। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रविनाथन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 26 अगस्त और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और गाइस, आज मेरा फेस थोड़ा आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी तो ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुई हूँ नहा धोकर और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे पिछले 4-5 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी डाउन है। मतलब मुझे फ़ीवर हुआ था, 2-3 दिन कंटिन्यू फीवर आया था। इतना भयंकर फीवर आया था कि तब से मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी ये थोड़ा आप लोगों को फिल्टर की वजह से आंखों में, लेकिन फिर भी मेरी आंखें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और उस फीवर के चक्कर में इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है मुझे कि मेरे ये सिर और ये पैरों का दर्द नहीं जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा थकान और वीकनेस महसूस हो रही है, जिसके चक्कर में मैंने कोई ज़्यादा खास पूजा की तैयारी नहीं की है। कल बस थोड़ा मार्केट गई थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ। दीदी वगैरह पूजा सब कुछ करेंगी और मेरे तबीयत के चक्कर में, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा है कि मैं बस लेटी रहूँ आँख बंद करके। मतलब इस तरीके की कंडीशन हो रखी है, मजबूरी में उठना पड़ता है, सब कुछ कर रही हूँ। तो आरू को भी नहला धुला दिया है, ये भी बैठा है, सिकला पिला दिया है। और मेरा है आज का फास्ट। और अभी आप सब लोग कहेंगे तबीयत सही नहीं है तो फास्ट क्यों रखा, सब लोगों ने रखा था तो मैंने सोचा मैं भी रख लेती हूँ। तो सही नहीं लगता है, मैंने सोचा पूजा वैसे नहीं कुछ कर पा रही हूँ तो कम से कम फास्ट तो रख ही लूँ। और दीदी कर देंगी सारी तैयारी पूजा की, बाकी सारा सामान उनके लिए एक मिनट रुक जाओ। तो बाकी सारे कपड़े वगैरह मैं कल ही उनके लिए ले आई थी। और डॉक्टर के पास भी मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है, मैं मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बुखार तो अब नहीं आ रहा है खैर, लेकिन उसके चक्कर में जो हाथ पैर में वीकनेस और ये सिर में जो दर्द, जो मेरी मेडिसिन चल भी रही है उनकी पता नहीं कैसी क्या दवाइयाँ थी वो, मतलब मेरा ये पूरा हिस्सा ये है, ये सर्वाइकल का दर्द है, पता नहीं किसका है, ये पूरा मेरा बहुत बुरे तरीके से दर्द करता है। बस ऐसा लगता है मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं किसी के पास ना बैठूँ, मैं बस लेटी रहूँ आँख बंद करके, बस ऐसा हो गया है। और हाथ पैरों में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। तो घर से भी फ़ोन आया था कि यहाँ आ जाओ देखो क्या होता है। तो बस गाइस, अभी सुबह से मैं बहुत लेट उठी थी और ये ऑफिस चले गए हैं और पापा की छुट्टी थी, ये और भैया वगैरह ऑफिस गए हैं। लेट क्या उठी थी मुझे, मैं नींद की मेडिसिन ले रही हूँ पूरी, ये समझ लो कि मुझे वो जो मेडिसिन मैं खा रही हूँ बुखार के टाइम पे, जो मुझे जब आया था मुझे प्रॉब्लम हुई थी उससे मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी आँखें है ना इस तरीके से मुझे खोल के रखनी पड़ रही है, मेरी आँखें नहीं खुल रही है और नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुझे नींद की मेडिसिन लेनी पड़ रही है। कुछ होता है तो फिर मैं वैसे ही शूट करूँगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे जन्माष्टमी मनी है, क्योंकि इस बार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या कान्हा जी का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और देखते हैं फिर आरुआ घाट, तो आज पूजा है, पूजा कर ले उसके बाद में देखो। मैं भी सोच रही हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ ठीक नहीं लगता है, मम्मी काम करती है और मैं लेटी रहती हूँ। हालाँकि करना चाहती हूँ बट नहीं हो पाता, मैं जब भी मुझे ठीक थोड़ा बहुत लगता है तो मैं उठती हूँ, मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, जो मुझे किचन में थोड़ा बहुत दिखाई देता है मैं वो कर लेती हूँ। और मेन चीज़ है आरू का बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको संभालना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं वैसे ही परेशान हूँ और परेशान हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन के लिए घर चली जाऊँ। तो मैंने अभी सिर धुला है और बहुत बुरे तरीके से पानी ठोका है इस पर, इतना ज़्यादा ये दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो सुबह से कोई ब्लॉग ही शूट नहीं हो पाया था, हुआ क्या था मैं खुद ही नॉर्मल नहीं थी, मैं खुद लेटी हुई थी दवाइयों के नशे में। जब मैं उठी उसके बाद में फिर मैंने सब झाड़ू पोछा वगैरह किया, रूम क्लीन किया, आरू को नहलाया धुलाया, इन्हें खिलाया पिलाया, उसके बाद में थोड़ा पूजा के साथ कपड़े वपड़े थे वो भी सब साफ़ करने थे। तो मैं भी नहाई धोई, मेरा भी आज फास्ट हो रखा है, सब लोग मना कर रहे थे बट मैं सोचा था फास्ट रह लेती हूँ, हालाँकि सब कान्हा जी कार्ड लगाएंगे।
मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं गाइस, बहुत ये कंडीशन हो रखी है। बस गाइस मिलते हैं शाम में, जैसा तैसे पूजा की तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, दीदी कैसे क्या करती है तो आपको शाम को दिखाएंगे। अभी सुबह का तो कुछ हो ही नहीं पाया। सो वेलकम बैक टू माई चैनल रविनाथन ब्लॉग्स, कैसे हैं आप सब। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15 और अभी ये ऑफिस से आए हैं। तो अब हो रही है हमारे मंदिर की थोड़ी साफ सफाई, तो कान्हा वगैरह और झूला वगैरह उनका और उनका आसन वगैरह सब कुछ कुछ भी साफ नहीं हुआ था। तो अभी ये ऑफिस से आए हैं, मेरी नहीं है तबीयत सही तो मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ। मैंने अभी खाना ना बना के मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। तो अभी ऑफिस से आके इन्होंने हाथ पर धुल के अब ये वही पीताम्बरी से सब कुछ सारे बर्तन वगैरह और कान्हा जी वगैरह सब कुछ साफ़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत डेकोरेशन के नाम पे भी कुछ नहीं हो पाया इस बार, कुछ भी जन्माष्टमी पे कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। मुझे कान्हा जी को देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं हमेशा जब भी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी आदि मैं हमेशा सेलिब्रेट करती थी, मार्केट जाके सब सारा सब कुछ खरीद कर लाना। इस बार तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी। तो मैं सोचा था घर पर सब लोग हैं तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। सब ऐसे ही पड़ा हुआ था सुबह से ही, बस सुबह दीदी नहला गई थी, बस उसके बाद से सब ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ भी कोई डेकोरेशन भी नहीं हुई है, ना कोई पालना वगैरह उनका साफ़ हुआ है, ना आसन वगैरह, सब ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ के पानी से सब कुछ काला काला हो जाता है। तो अभी वो पीताम्बरी से साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद में फिर उनको वहाँ थोड़ा नेक इन्हीं के हाथ से करवाएंगे सब कुछ सही। थोड़ा बहुत सजावट तो अब हो नहीं पाएगी, कुछ भी डेकोरेशन कुछ भी, क्योंकि सामान भी नहीं आया है ज़्यादातर। और अब जैसा है सब ठीक है, वरना ये जो काम होता है अब अंधेरे में हो रहे हैं, रात में ये काम हो रहे हैं, मैं ये इस काम सुबह ही कर लेती हूँ सब, ताकि रात में कोई ज़्यादा वो ना हो। सुबह से उन्हें रेडी करके मैं बैठा लेती हूँ और सब कुछ मतलब प्रिपरेशन हो जाती है। मैं डेकोरेशन से आगे रहती हूँ, खाना पीना बाद में करूँगी, पहले मैं वहाँ तैयारी करने के बाद फिर मैं खाना पीने में लगती थी, लेकिन इस बार। और अब चलो जैसे जो होगा देखा जाएगा। मैंने हर बार अच्छे से डेकोरेट करते थे, अच्छे से सजाते थे, अच्छे से सब कुछ पूजा वगैरह होती थी उनकी, और इस बार जैसे होगा तैसे होगा, सब ठीक है। फाइनली गाइज हमारे कान्हा जी और उनका आसन वगैरह सब कुछ साफ हो गया है। पीताम्बरी से इन्होंने ऑफिस से आके फिर ये साफ सफाई करने में लग गए। तो वहाँ पर सब कुछ होने के बाद तो मैंने सोचा क्यों ना अब आध पौन घंटा बचा हुआ है तो थोड़ी सी मंदिर में प्रिपरेशन करके रख देते हैं, ताकि बाद में किसी चीज़ को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर कुछ सामान निकाल रहे हैं जो कुछ हम मार्केट से लेकर आए थे कान्हा जी के लिए, तो हमने कि एक थाली में सजा के रख देते हैं ताकि सब कुछ आसानी से सामने मिल जाए। और यहाँ आप लोग आरू को देख सकते हैं, वो मुझसे पूछ रहे मम्मा ये कान्हा जी का क्या है क्या है। तो बस वही सब कर रहे हो आप, कर रहे हैं उसके बाद फिर करते हैं पूजा। आप देख रहे हो ये कपड़े आरू कान्हा के कपड़े हैं। आज कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे है ना। हमारा बर्थडे कब आता है? कैसे आता है गाइज? यहाँ बज चुके हैं 12 और यहाँ पर हो गया है कान्हा जी का जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे कान्हा।
और यहाँ पर ये बच्चे सब लोग साथ में ही घेर बटोर कर खड़े हुए थे। इनको बड़ा शौक लगता है, लेकिन दीदी को पूजा करने में दिक्कत हो रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पर दीदी इनको स्नान वगैरह करा रही हैं। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसे बनी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने कैसे क्या उनका स्वागत किया, उनके वेलकम में कैसे क्या आप डेकोरेशन किया। मेरा तो इस बार सब कुछ ज़्यादा सिंपल था और ठीक था। तो कहते नहीं हैं शोर मत जाके भक्ति कर लो या फिर शांति से कर लो, ज़्यादा सिंपल भी हो जाती है, बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। लेकिन यह है कि उनका साल भर में आता है तो सबको लगता है कि उनका अच्छे से डेकोरेट करें, अच्छे से उनको सजाएं, सब कुछ करें। खैर कोई नहीं, जो भी था हम लोगों ने जैसा था सारा सिंपल तरीके से सारी पूजा की। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे चांद को देख के अर्घ दिया जाता है, जो फास्ट रखते हैं वो लोग चांद को देख के अर्घ देते हैं, उसके बाद में फिर वो पानी वानी कुछ भी पीते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसा रिवाज है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पर करते हैं पूजा। यहाँ पर सब लोगों ने पूजा कर ली है और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे छत पर अर्घ देने। उसके बाद में अर्घ देने के बाद फिर हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।